तो चलो आज हम लोग खाना बनाते हैं कुछ भाजी। तो जैसे मैंने मेरे पहले के वीडियो में बोला है कि मेरी मॉम को थोड़ा ठीक नहीं है, तो उनका ऑपरेशन हो गया है, तो आज है उनके वो जो स्टिचेस है वो निकालने वाले हैं। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं आज हम लोग कुछ बनाए। वैसे दो दिन से खाना मैं ही बना रही हूँ, बस मैं अब सोच रही हूँ सोयाबीन की भाजी बनाऊँ। तो मैंने यहाँ पर सब मसाला पीस लिया है थोड़ा सा, मतलब मम्मी ने हेल्प किया था बताने में कि क्या क्या आता है, बट फिर बाद में मैं करती हूँ कैसे बनेगा। वैसे दो दिन से बहुत अच्छा अच्छा खाना बना रही हूँ मैं। जैसे कल आलू का पीला भाजी बनाया था, अरे यार मुझे लाइटर नहीं मिल रहा था, मिल गया, पहले गैस जला लो। तो मैं पहले गैस चलाऊंगी, फिर डालो कढ़ाई, थोड़े टाइम इसे गर्म होने दो। वैसे YouTube वीडियो ने कल मेरी बहुत हेल्प की है, कल मम्मी को मैंने बाहर ही रखा था, क्योंकि मेरी मम्मी जब किचन में आ गई ना तो मैं खाना नहीं बना सकती, क्योंकि मम्मी कही अरे ये कर वो कर यार मुझे नहीं जमता ऐसा। तो मैंने YouTube ऑन किया और मैंने देख लिया कि कैसे क्या बनाते हैं। तो अब मैं तेल डालूंगी इसमें। तो जब आप ड्राई भाजी कुछ बनाते ना तो तेल थोड़ा कम रहेगा तो चलेगा, इसमें भी कम ही है तेल डालने का, ज़्यादा तेल नहीं चाहिए हमें। इसमें हम लोग राई डालेंगे और कड़ी पत्ता डालेंगे। तो जब तक ये ऐसा पूरा ये नहीं हो जाता तब तक रुका, आप लोगों को मैं थोड़ा नज़दीक से दिखाऊँ, दिखा तो अच्छा है। चलो यार मुझसे बात कर दो, तब तक मुझे बोर हो रहा है इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तीन दिन से मेरा अभी यही चल रहा है, तो अभी ये तीन दिन में मम्मी को पता चल गया है कि मैं खाना बना सकती हूँ कभी मम्मी बाहर गई तो, वरना उन लोगों को टेंशन आता है हमेशा बाहर का खाना। तो पता नहीं मैं ये फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, बहुत उड़ता है। तो अभी मसाला जब आपने पीस लिया है तो आप लोग को कुछ टेंशन नहीं, क्योंकि सब मसाले पे ही रहता है। तो अभी मम्मी ने मुझे बोला है सोयाबीन को मैंने पानी में ऐसा गर्म पानी में ये किया था, अब मुझे बोला है कि मैं इसे थोड़ा ऐसा सॉक करके मैं डालूं। तो इसे अच्छे से गार्ड लो ऐसे, तब इसे अच्छे से फ्राई कर लो। तो करते 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 यह फ्राई इसमें थोड़ा और तेल आएगा शायद। पता नहीं यार मेरे स्टेप्स रॉन्ग हो सकते हैं, बट होपफुली अच्छा बन जाए। आज तो मैं कुछ यूट्यूब भी नहीं देख रही थी, मुझे ये वीडियो शूट करना है और कोई और फोन नहीं है घर में। थोड़ा मैं फ्लेम ज़्यादा कर देती हूँ, ये थोड़ा जल्दी हो जाए।
बन रहा है, मैं थोड़ा ऐसे में टेंस हूं कि कैसे बनेगा, देखते हैं अब कैसे बनता है। चलो मसाला डाल देते हैं। आप से डाल दो क्या चम्मच? तो मसाले में मैं थोड़ा पानी मिक्स कर देती हूँ। हाई फ्लेम पे ही रखती हूँ फिलहाल। इसमें अभी हल्दी डालना बाकी है, नमक डालना बाकी है। ओ मुझे लगा वीडियो बंद हो गया। तो मैं आप लोगों को ये नजदीक से ये बनने के बाद बताऊंगी, अभी फिलहाल देख लो ऐसा हो गया ये। दिखने में तो अच्छा दिख रहा है। तो अब मैं हल्दी डाल देती हूँ थोड़ा। ओह ये सोयाबीन की भाजी से मुझे मेरी एक फ्रेंड है पल्लवी जो स्कूल में थी हमारे, उसकी मम्मी के हाथ का सोयाबीन का भाजी हम लोग तो भाई बहुत मिस करते हैं। पल्लवी यार आजा घर पे मेरे पार्सल लेके, वो भाजी बहुत याद आती है वो भाजी की, बहुत सही था वो भाजी। मैं सोच रही हूँ और थोड़ा सा पानी डाल देते हैं जिससे थोड़ा अच्छा। पल्लवी की मम्मी का बहुत सही, वो ग्रेवी में क्या डालती थी क्या पता आंटी। पल्लवी जरा रेसिपी भेज मेरे को। वैसे मुझे ये 2-3 दिन में पता चल गया है कि यार खाना बनाना ना इजी है, हम लोग खाली फुकट इसको ऐसा नहीं बनाना करके, क्योंकि मैंने सच में कभी ट्राई किया ही नहीं था ऐसा सब खाना बनाने का। बट अब जब मैं बना रही हूँ ये सब तो बहुत मज़ा आ रहा है मुझे बनाने में। थोड़ा नमक डाल देती हूँ, मैं भूल जाऊँगी नमक डालना। अभी ये नमक अगर आपसे अच्छे से चला गया, रुको मेरे को शांत रहने दो फिर डालती हूँ। आई थिंक इतना काफी हुआ, कम चलेगा पर ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओ वाओ दिखने में बहुत सही लग रहा है ये। यार मैं इतना ड्रेसअप होके घर में नहीं रहती हूँ, मैं हमेशा पजामा में ही रहती हूँ। बट मेरा प्लान था कि मम्मी के साथ डॉक्टर के पास जाने का, लेकिन मैंने सोचा कि मम्मी के साथ पापा है तो फिर मैं नहीं जाती हूँ, मैं तब तक खाना बना लेती हूँ, नहीं तो यार थोड़ा लेट हो गया कि मेरे को बोर होने लगता है। तो चलो आई थिंक हो गया। अभी ये क्या मैं सर्व करके दिखाऊंगी? नहीं रुको देख लो इधर से ही। दिखने में तो बहुत सही दिखता है पर खाने में भी टेस्टी होगा। चलो अब ये सब धोना पड़ेगा मुझे ही, मतलब मॉर्निंग का बर्तन नहीं धोती हूँ बट मैं रात के सारे बर्तन धो के रख देती हूँ, क्योंकि बाद में वो बर्डन ना आ जाए कुछ,
मम्मी को डॉक्टर ने पूरा रेस्ट बोला है करने के लिए, तो फिर नहीं बोल सकते मम्मी को करने के लिए। तो मैंने मम्मी को बोला यार ये 10 दिन में कर दूंगी सब कुछ, बट उसके बाद मेरे को फ्री कर देना है यार। अभी समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या करूं। हो गया है, मैंने गैस बंद कर दिया, होपफुली अच्छा बना होगा। तो इसे पहले मैं नहीं चखूंगी, ये मेरे पिताश्री को चखने दूंगी मैं पहले कि कैसे बना है वो बताएंगे। वैसे मेरे घर में सबको मेरा खाना अच्छा लगता ही है, मतलब मैं कुछ भी बनाऊँ थोड़ा गलत हो पर सब लोग बहुत अच्छे से खाते हैं वो खाना। रुको मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कैसा बनाया है मैंने खाना। तो, सेल्फी से बता दो। तो ये बन चुका है ड्राई, मुझे ड्राई ही पसंद है, ग्रेवी वाले नहीं पसंद ज़्यादा। तो खा के देखो क्या, बहुत वाओ, इसका नमक बहुत गर्म है, मैं नहीं खा सकती। तो ये था 11 मिनट का रिकॉर्डिंग है, तो 11 मिनट लग गया है। उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वो मसाला पीस के रखा था, अदरक कांदा सबका, तो उसका टाइम मैंने नहीं पकड़ा तो इससे ढक देती हूँ। चलो खाना इज रेडी। अब ना मुझे चावल बनाना है, मैं चावल कहाँ गया यार, बासमती बनाऊंगी आज। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और होपफुली मैं और 10-15 दिन अच्छे से खाना बना पाऊँ। अलग अलग चीज़ तो मुझे बताना कमेंट में कि मैं क्या क्या बनाऊँ, क्या क्या ट्राई करूँ, क्योंकि सच में ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैंने नहीं बनाया कभी पास्ता वगैरह छोड़ के, पास्ता मैगी। जैसे सबको पता है कि मैं पास्ता बहुत अच्छा बनाती हूँ, व्हाइट सॉस पास्ता, तो मेरे को सिर्फ वही आता था। तो अभी मैं थोड़ा खाना इंडियन सीख रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग अदिति, बाय।